नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो फिनिशिंग, फोटोशॉप 7.0 इन हिंदी। आज हम समझेंगे कि फोटोशॉप 7.0 में फोटो फिनिशिंग कैसे करना होता है, क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे काम करेगी, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर यूज होगी। उससे पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियो आपके लिए आते रहता हूँ। सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखेंगे, यहाँ पर मैंने फोटोशॉप 7.0 जैसे ही ओपन किया है, यहाँ एक प्रॉब्लम देखने को आ रही है, aif.ogl.dll फाइल मिसिंग की। इस फाइल को गूगल करके आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने फाइल मिलेगी आपको, dll फाइल कुछ। उस फाइल को आपको विंडो में जाके पेस्ट करना होगा, या फोटोशॉप की dll फाइल में पेस्ट कर सकते हैं, ताकि इस टाइप का सिस्टम एरर आपको देखने को ना मिले। लेकिन इसको फोटोशॉप को चलाना, इसे ओके क्लिक करेंगे नॉर्मल वे में तो फिर भी फोटोशॉप वर्क करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस एरर का सॉल्यूशन आपको करना चाहिए, ताकि कोई और परेशानी ना फेस करनी पड़े आपको। यहाँ देखेंगे, मैंने लेयर पैनल ओपन कर लिया। विंडो में आके लेयर पैनल ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ पे जो सुविधा चाहिए आपको, सारी चीजें यहाँ फोटोशॉप में बिल्कुल बेसिक तरीके से मिल जाएगी। या फिर रिसेट करना है तो यहाँ से रिसेट करेंगे, यहाँ सारी चीजें आ जाएगी। अब यहाँ देखूंगा फोटोशॉप में आंसू का फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आऊंगा यहाँ पर, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ गया। अब यहाँ से मुझे इस फोटोशॉप 7.0 में कुछ चीजें कम है मेरी समझ से, ऐसा लगता है। फंक्शन है जरूर, काम होता जरूर है, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें इजी वे में मिल जाए तो ज्यादा बेहतर। इसको यहाँ से बड़ा कर दिया, छोटा करना है तो यहाँ से इसको छोटा कर सकता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से क्रॉप करूंगा, नॉर्मल वे में यहाँ से साइज क्लियर कर दूंगा, और यहाँ से 400 का रिजोल्यूशन ये साइज ले लूंगा रेंडमली, और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से साइज को क्रॉप कर लूंगा। ध्यानपूर्वक अगर आप इस चीजों को समझेंगे तो बेहद आसानी से सारी चीजें समझ में आएगी। राइट क्लिक करूंगा, ये इस साइज में क्रॉप हो चुका है। यहाँ से लेयर ओपन कर लूंगा और इसकी कॉपी बना लेता हूँ एक, ताकि इसमें हमको कोई भी वर्क करने के बाद चीजें समझने में आसानी हो कि हमने कितना वर्क किस वाले फोटो में किया है। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करूंगा, जूम करने के लिए ये वाला टूल है। नॉर्मल वे में देखेंगे जूम आउट जूम इन का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये आउट और ये जूम इन। देखेंगे यहाँ से मैं इसको फोटो में कुछ करेक्शन करूंगा। ये चीजें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, आपको किसी प्रकार की चीजों को बिल्कुल नहीं सोचना है। कोई चीज मिसमैच हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो उसको ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है ट्यूटोरियल में कुछ चीजें ऐसी निकल जाए जो चीज काम की ना हो, तो भी आप समझेंगे कि मैं फैमिली फ्रेंडली टाइप से जो चीजें प्रैक्टिकली करता हूँ वही चीज आपसे शेयर करूंगा। यहाँ देखेंगे इधर इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट और लेवल चेक करेंगे। लेवल देखेंगे तो नॉर्मल वे में है, लेकिन इधर से थोड़ा सा कम ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा करके इधर से मैं बढ़ाऊंगा और इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करूंगा। और यहां देखेंगे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। इधर पे थोड़ा 2% और यहां से थोड़ा सा मैं इसको 1.246 में रखूंगा और ओके क्लिक कर दूंगा। ये चीज कर लेने के बाद में आपको इधर आना है वापस, और यहाँ ब्राइटनेस में क्लिक करना है। ब्राइटनेस में क्लिक करने के बाद थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको बढ़ाना है, और थोड़ा सा कंट्रास्ट भी बढ़ाना है। यहाँ से इतना नहीं, +8 रख देंगे या 6 रख देंगे। ओके क्लिक कर दिया। इधर आएंगे वापस और यहाँ पे कर्व में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, बस इतना काफी है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा डार्क है ज्यादा, तो यहाँ एक लेयर बनाएंगे, नया लेयर बनाएंगे। लेयर बनाने के लिए यहाँ से भी आपको सारी चीजें बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने को मिल जाएगी कि कैसे कैसे काम करती है। ब्रश वाला टूल लेंगे और यहाँ से इसको व्हाइट कर देंगे कलर, और यहाँ से ब्रश चलाएंगे, इसको 60% से 100% कर दूंगा। यहाँ से थोड़ा मुझे लग रहा है कि गड़बड़ी है, ये चीज हो गई, और यहाँ से बस इतना काफी है। इसकी ओपेसिटी कर देंगे इधर, और यहाँ से लेयर मोड करके सॉफ्ट लाइट में क्लिक कर देंगे, और इसके फिल को कर देंगे, यहाँ पे करेंगे 51%, और नीचे कर दूंगा मैं इसको थोड़ा, फिल को कम कर दूंगा 35%, बस इतना हो चुका। इफेक्ट देख लेंगे आप, अंतर कहाँ आया आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। फिल को थोड़ा और कम कर दूंगा मैं, ये चीज हो गई। इसके साथ में इसको लिंक कर दूंगा यहाँ से, और इसको मर्ज कर लूंगा। जैसे ही मर्ज करूंगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से आपको इधर वापस आना है लेवल में, और लेवल इधर से थोड़ा सा बढ़ाना है, और यहाँ से इसको थोड़ा इधर, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इधर से एडजस्ट करूंगा, ये चीज हो गई। और यहाँ से थोड़ा सा वापस इसको बढ़ा के एडजस्ट करूंगा, बस इतना काफी है। और इसके बाद में आपको एक और चीज करनी होगी, पिंपल है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको पिंपल को साफ करूंगा मैं। यहाँ देखेंगे ये वाला टूल लेंगे, पैच टूल, और यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे इधर ले जाके, सिंगल क्लिक में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप, सारी चीजें बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। कट करेंगे, इसको मूव करा के लेके जाएंगे इधर, तो फिनिश हो जाएगा।
ध्यान पूर्वक अगर आप इस चीजों को फॉलो करेंगे बिल्कुल आसानी से वर्क कर पाएंगे। अगर किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना होता है आपको तो यहाँ मुझे कमेंट करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। ये चीज हो गई। यहाँ से आने के बाद इधर पे आएंगे वापस मूव टूल पे रहते हुए, मूव टूल पे रहते हुए यहाँ पर, और इधर इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ पर हुई एंड सेचुरेशन सिलेक्शन एंड कलर लिखा होगा, सिलेक्टिव कलर। यहाँ आके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं, ये इधर रेड, और यहाँ से थोड़ा सा इस कलर को इधर ही -1, और यहाँ से थोड़ा इधर, और इसको थोड़ा सा बढ़ा के इधर कर दूंगा बस, और ब्लैक कलर को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं +9, बस इतना काफी है। ओके कर दिया हमने, और यहाँ थोड़ा सा फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बहुत सारे तरीके बताए मैंने, लेकिन यहाँ पर मैं फिल्टर एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड किया हुआ करूंगा। यहाँ से इधर पे आएंगे इस वाले टूल में क्लिक करके, और यहाँ से फिल्टर कर लूंगा मैं। ओके किया, और यहाँ पर एडजस्ट करूंगा इस फिल्टर को थोड़ा फेड में आके कम, और यहाँ से वापस फिर कलर बैलेंस में आएंगे, कलर बैलेंस, और कलर बैलेंस कर लेंगे थोड़ा सा इधर पे। हाईलाइट्स पे क्लिक कर दूंगा मैं, और हाईलाइट्स पे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, बस इतना काफी है। ओके कर दिया, ये चीज हो गई। और ये चीज हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा एडजस्ट और करना है। ये क्लोन टूल में आएंगे और अल्टर का बटन दबाए रखेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। बहुत ही कम एडजस्ट करना है आपको, ताकि चीजें बाद में आपको क्लियरली समझ में भी आए कि आपने क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम करी। यहाँ पर इसको और थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और यहाँ से एडजस्ट करूंगा, देखेंगे थोड़ा सा इधर मिक्स कर दूंगा, मैच कर दूंगा, और यहाँ से बस क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि ये चीज काम करी है। बस यहाँ तक हो गया, और देखेंगे अल्टर के साथ इसका यूज करना है, अल्टर दबा के रखना है, और उसके बाद वर्क करना है। बाकी इधर पे नहीं रखना रखने वाला हूँ, बाकी सारी चीजें बिल्कुल डिटेल रहने देने वाला हूँ, बाकी कुछ चीजों को चेंजेस नहीं करूंगा, इतना काफी है। और इसके बाद में आपको थोड़ा सा एक काम और करना होगा, इधर पे आएंगे और यहाँ पर इधर पे क्लिक करेंगे, और इसमें क्लिक कर देंगे थोड़ा सा, और देखेंगे थोड़ा बढ़ा के कि क्वालिटी में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। इतना नहीं, इतना काफी है, बस इतना काफी है, और ओके क्लिक कर दूंगा। जैसे ओके क्लिक करूंगा देखेंगे यहाँ पर पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, क्लियर हो चुका है, और काफी बेहतर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक की सारी प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद में आप इसको थोड़ा सा ब्लैक करेंगे, इधर पे आएंगे बर्न टूल में, और यहाँ से थोड़ा इसको कलर कर लेंगे, ब्लैक कलर कर लेंगे चूज, और बस कम्प्लीटली आपके सामने ये चीज आके तैयार हो गई। यहाँ पर आप रेड भी लिप्स कर सकते हैं, यहाँ से वाला टूल लूंगा मैं यहाँ पर इधर, और यहाँ से थोड़ा सा कट लगा लूंगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया कट, प्लस का बटन दबाऊंगा, इधर से इधर एडजस्ट करूंगा इसको, और यहां से आऊंगा इधर, और फेदर में नहीं आना है मुझे, इधर आके इसको एक्सपेंड करूंगा मैं टू, एक्सपेंड नहीं करना है सॉरी, इधर पे आना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करूंगा, और 3-4 का क्लिक कर दूंगा तो छोटे हो जाएंगे लिप्स, है ना, और यहाँ फेदर दे दूंगा मैं यहाँ पर आने के बाद, फेदर 3 का, बस इतना काफी। और यहाँ से हुई एंड सेचुरेशन में आना है, और यहाँ से थोड़ा सा रेड लिप्स करना है, लिप्स को थोड़ा रेड या और कलर में करना है, बस इतना काफी है, और कंप्लीटली आपके पास फिनिशिंग होके तैयार हो गई। आपको अगर जूम करके देखना है देख सकते हैं, यहाँ से आपको डिटेल भी नजर आएगी, यहाँ से और कुछ भी क्लीनिंग करना है, किसी प्रकार का भी एडजस्टिंग करना है तो आप मैनुअली कर सकते हैं सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो ये था यार कि फोटोशॉप 7.0 में फोटो फिनिशिंग कैसे करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स से अगर ये फिल्टर आपको नहीं भी मिल पाता है तो आप यहाँ से ब्लर वाली सेटिंग देखेंगे, वहां विविद लाइट वाला मैंने एक फिल्टर बनाया है आर्ट बालाघाट में, वो चीज करेंगे तो आपको बेहद आसानी से वही चीज सेम फिल्टर देखने को मिल जाएगी, और उसका यूज कर पाएंगे। और बाकी कोई भी चीज अदर परेशानी होती है तो उसके लिए मुझसे कमेंट करके पूछोगे तो बिल्कुल आसानी से बता दूंगा। हो सकता है चीजें थोड़ी सी फास्ट बताया हूं मैंने, लेकिन दोबारा से अगर इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे आप तो बिल्कुल ही आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और कोई भी प्रकार का सवाल जवाब हो तो यार कमेंट करके पूछ लो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप अपनी फोटो पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो प्रैक्टिस करिए और सीखते रहिए, समझते रहिए सारी चीजों को। फिलहाल के लिए सिर्फ यही चीज थी। सवाल जवाब के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझको, वहां मैसेज करो, मैं बात करूंगा, या कमेंट कर दो, उसे मैं रीड करके आपके सवालों का जवाब दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ यही चीज थी। कोई भी जानकारी हिंदी में पढ़ना हो आपको तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट artbalaghat.com dvikishow.com दोनों ही चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।